शुभेंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फाइल जो शेयर करता हूँ, तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा और कुछ कुछ डेवलप किया हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम पे आएगा, तो उसको भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर देता हूँ और वाइसेल लेवल और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा स्टॉक्स में बना है वो भी दिखाता हूँ। तो ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो ये आप लोग को वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसका लिंक इसका देखेंगे या एक्चुअली देखिए, मैंने जो स्टॉक्स का देता हूँ, जो स्क्रीनिंग करके देता हूँ आप लोग को, वो हाई वोलेटिलिटी और लो डिलीवरी परसेंटेज और हाई वॉल्यूम का रहता है, तो इसी का स्टॉक ढूंढने से मूवमेंट अच्छा मिलता है। तो कुछ भी एक 10.4 बाई लेवल था और 458 इसका सेल लेवल था। तो एक बार इसको देख लेते हैं चार्ट पे, इसका आज ऑलरेडी डाउनलोड का आज का हाई लो इधर से मिल जाएगा और फार्मा का आज का हाई लो हुआ है 463.25 456 लो। तो देखते हैं एक बार इधर से चार्ट से लगा हुआ है वो देखने से सोच लीजिए, क्योंकि नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। 5890 के ऊपर बाई लेवल था और 539 के नीचे 539.42 के नीचे सेल लेवल था। तो 540 मतलब सोच लीजिए 5840 में इसका सेल लेवल था, तो 539.40 का सेल लेवल से ये 535 तक लो आ गया था। एक ही सिर्फ मतलब एक ही कोई किसी वाई पर पहले 536.25 तक आ गया था 599 से। ठीक है, मैंने दो दिखा दिया, आप लोग भी बाद में चेक कर सकते हैं। आप लोग जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो आज का डाटा देख के कुछ भी आप चार्ट के साथ मिला के चेक कर सकते हैं। मैंने जो एक्चुअली जो दिखाना चाहता हूँ इनसाइड द बॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो वो तो आप लोग को बाय सेल लेवल मिलते ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें से और भी अच्छा, देखिए इधर NR4 में एक आया था अदानी पोर्ट, इधर देखिए NR7 में भी आया था और वन डे का डेली चार्ट में आया था। ये इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को शायद मालूम है कि वन डे मतलब ये पिछले वाला कैंडल का ये एक एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सोच लीजिए अदानी पोर्ट इधर मैंने डेली चार्ट में इसको देखना से और NR4 का हिसाब से ये कल जो था वन डे का हिसाब से और NR4 का हिसाब से ये इनसाइड द बात था। तो सॉरी NR4 तो इधर देखिए मतलब है कि जो कैंडल करेंट जो कैंडल है ये अगला दिन का कैंडल कल का करेंट कैंडल था, तो ये जो करेंट जो कैंडल है ये पिछले वाला कैंडल का अंदर रहेगा, मतलब ये इसका हाई लो के अंदर रह जाएगा, इसका लो से ग्रेटर होगा और इसका हाई से ग्रेटर होगा। तो ऐसे टू डेज का भी ऐसा होता है कि इसका हाई जो इधर मैंने टू डे का जो फार्मूला लगा के रखा हूँ, इधर फार्मूला नहीं दिखेगा, इधर आप लोग को फार्मूला दिख जाएगा कि इधर जो टू डे का फार्मूला जब देखता हूँ तो टू डे का जो मतलब सेकेंड कैंडल मतलब इसका हाई लो ब्रेक करने के बाद आप लोग को एंट्री लेना पड़ेगा। और NR4 NR7 के लिए के केस में करेंट कैंडल का हाई लो तोड़ने के लेने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए अदानी पोर्ट वन डे का हिसाब से ब्रेकआउट हुआ, टू डे का हिसाब से ब्रेकआउट हुआ, सॉरी NR4 और NR7 के लिए। तो मैंने करेंट कैंडल का हाई लो भी पकड़ सकता हूँ, क्योंकि NR4 NR7 का केस में
करेंट कैंडल का हाई लो ब्रेक करने से चलेगा, और जब वन डे और टू डे का इनसाइड दबा मैंने पकड़ूंगा तो वन डे का और टू डे का हाई लो ब्रेक करना पड़ेगा। तो इधर देखिए मैंने करेंट कैंडल का ब्रेक पकड़ूंगा तो देखिए 368 से 368.65 से ये आज का हाई हुआ 379.15, और अगला दिन का कैंडल 379.1 से ये 371.9.15। तो देखता है एक बार, 5 मिनट तक मारा था, अलग लगता है कुछ कुछ टाइम प्रॉब्लम होता है एक्सेल, तो उस टाइम स्टॉप लॉस लग जाएगा तो बाद में जाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए 368.8 अगला दिन का जो हाई था तो उसको उधर कितना था, तो 368.65 तो ओपन हुआ था 360.10। उसके बाद जब 665 जब इधर क्रॉस किया एकदम मध्य ऊपर 375.8580 तक एकदम ऊपर मार दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था 371-372, आप लोग ट्रेड में रह सकते थे उसके बाद, क्योंकि आप लोग 368 में घुसेंगे तो एटलीस्ट आप लोग को 365 या 364 में आप लोग को स्टॉप लॉस रहता था। तो इधर देखे 376, उसके बाद इधर फिर से नीचे आया था 374 के ऊपर, तो आप लोग ट्रेड पर रह सकते थे। इधर इधर एकदम 379 तक आप लोग को प्रॉफिट आ गया था। तो आप लोग का अपना हिसाब से रिस्क एपेटाइट का हिसाब से नॉर्मली 0.5 से 1% के ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो इधर ये तो हुआ है एक आप लोग को एक कैंडल स्टिक का, इसमें मैंने बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना के रखा हूँ NR4 NR5। वो पहले आप लोग इसके बाद 15 मिनट मैंने करेंट प्राइस लाइफ में करेंट मार्केट में भी देता हूँ, 15 मिनट प्राइस को करेंट प्राइस के ऊपर अंदर रह जाएगा। इसके बाद हायर आई हायर लो आप लोग देखते रह जाएंगे, 2G पॉजिटिव हैमर इसमें आज का जो है वो कुछ कुछ बनता है, वो बाद में मैंने दिखाऊंगा कैसे सीनरी बना। ओपन बुलिस बियरिस बुलिस मारो बुजू बियरिस मारो बुजू, ओपन हाई इक्वल्स टू लो, ओपन इक्वल्स टू हाई। ये लाइव मार्केट में भी मैंने अपडेट करता हूँ, ये मास्टर 3.5 लॉन्ग एक्चुअली इसको ये जो मास्टर 3.5 फिबोनाची 3.82 और ये जो है ये आप लोग को दिखाऊंगा, ये एक्चुअल फिबोनाची लेवल के ऊपर काम करता है। बुलिस एनगल्फिंग बियरिस एनगल्फिंग सेकआउट, उसके बाद लॉन्ग स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न रॉन्ग फ्लाई 2G 5050 मैंने 50-50 बोलता हूँ, ग्रेपस्टोन 2G मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बुलिस रिवर्सल कॉन्वेंशनल रियल मार्केट, मतलब बुलिस रिवर्सल मतलब एकदम कॉपी बुक है जो बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है। तो इधर बुलिस रिवर्सल थोड़ा जो रियल मार्केट में एक्चुअली होता है तो उसको मतलब थोड़ा सा पूरा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पूरा मैंने दोनों को इलाका लगा के रखा है। और इधर बियरिस रिवर्सल कॉन्वेंशनल बियरिस रिवर्सल जो रियल मार्केट होगा, सॉरी मैंने इसको गलत लिखा है, वो एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर दिया था। इधर रियल मार्केट कंडीशन में है तो इसको, उसके बाद बहुत सारा पैटर्न भी मैंने पैटर्न वन ये मैंने खुद कुछ देख के वीडियो देख के या मैंने कुछ एनालिसिस करके कुछ कुछ बनाया हो, कुछ कुछ पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न या फार्मूला देख के बनाया हो जो आप लोग को लाइव मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद मैंने आप लोग वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम देख के आप लोग जब स्क्रीनिंग कर लेंगे आप लोग को अच्छा खासा मूवमेंट जरूर मिल जाएगा। सोच लीजिए आप लोग को तो एक NR7 दिखा दिया, ये देखिए अदानी पोर्ट का देख ले, आप लोग जब वॉल्यूम और वोलेटिलिटी और डिलीवरी परसेंटेज चेक करेंगे तो देखिए अदानी पोर्ट का जो वोलेटिलिटी और जो डिलीवरी परसेंटेज 20 का नीचे है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो ऐसे आप लोग को मतलब स्क्रीनिंग कर बैलेंस वोलेटिलिटी डिलीवरी मतलब 2 के ऊपर होगा तो और भी अच्छा है, वॉल्यूम एटलीस्ट 10 लाख के ऊपर होगा तो और भी अच्छा है, और डिलीवर परसेंटेज 20 का नीचे होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कोई वोलेटाइल स्टॉक जब ब्रेक करेगा तो आप लोग अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इधर जब मैंने एक दिखाना चाहता हूँ, सोच लीजिए एमआरएफ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बड़ा स्टॉक्स इधर आज का मास्टर।